दर्द की अनुभूति हो रही है। पहले नंबर है फरसन को सुनाए के बैठे सवेरे के, कोई बात ना है क्योंकि घर की बात है। और भैया हमारे जो कह रहे हैं कि कंपटीशन कंपटीशन हूं कौन से करूं, यहां बिल्कुल घर में ही गा रहा हूं, पर एक बात जरूर कहूंगा, कोई कावते कछु कह रहा है, कोई कावते कछु कह रहा है, कोई पगुआ बारिंत कह रहा है, तो कोई बेसिंत कह रहा है, इतने कई कंगो बस सारे में समझ जाइयो आप श्रीमान बैंगन खामे और उनको परहेज बतामे। भैया खुद सुधरो, जनता अपने आप सुधर जाएगी, उपदेशन ने पीछे दियो। हमारे गुरु बाबा गंगाराम होसिंगा दुनिया से चले गए या साखी में तुम निरीक्षण परीक्षण अपने दिल में कर लियो के वास्तव में जिकड़ी को मामला का है। सुनियो गौर से, ऐसे समझियो जैसे सर्दी में गरम गरम आंच को सिका भैरो है। मास्टर कैसे जानकार बैठे में तो बच्चा ही साखी उतर के आ रही है सप्तम पे थे, और जिकड़ी ऐसे अगर होगी तो मेरो दावा है सिस्टम खराब है जाएंगे। सुनिए साखी
आसमान। भैया हिलोरे पंचो
कथा हुई है जो कल से चल रही। देखो बासिक की बेटी एलम देखो बता दई कौन है भोले बाबा ने के बेटी वो नई उम्र को 12 और भीमा है पति तुम्हारो बेटी बात मान ले मेरी और वो कुंती है सासुन। अब हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई बाबा मो यो बता आखिर में मोए मेरा पति भीमसेन मिलेगा कैसे। देख बेटी ले लियो लियो मिल जाए तो तुम सरदारा भोलेनाथ एलम देखो बता रहे सुन बेटी जे कहानी यहां पे चालू ना भाई जे कथा शुरू भई है हस्तनापुर ते। हस्तनापुर के अंदर एक दिन कौरव और पांडवों के मध्यस्थ एक खेल चल रहा है और देख बेटी कैसा खेल चल रहा है ध्याने जुटाए ले हस्तनापुर को और तुम जुटाए ले ये आ रही है झड़ झिकड़ी की और देखो झड़ में बता रहे हैं भोले बाबा क्या बात है चार साहब समिति की तरफ से आए बेचारे तुमने देखे होगो ऐसे समझो महापंचायत में आए हो न्यू कर लियो न्यू भयो जे भयो ए जिकड़ी गालियो मेरे यार मतलब कहां पर रहो यार भैया सबरे साथी और चढ़े पेड़ पे भीम से न रह पेड़ हिला दियो कौरव धरती में गिर गए
दुर्योधन के भाई दिना ते कांटो है गो क्या जी भीमसेन हमने छोड़ेगा नहीं। एक दिना दुर्योधन को दरबार लग रहा है, दुर्योधन के दरबार में भीम बली पहुंच गो है और दुर्योधन ने भीम को देख करके एक शब्द कह दिया और शब्द क्या था, भीम तू सुन मेरे भैया, भीम तू सुन मेरे भैया और पिता तेरे पांच एक मैया। इतने वचन भीम ने सुने, गर्दन नीचे को है गई, चेहरा मुड़ जाएगा दादा, अपने मामा सल्ल के पास आएगा, हाथ जोड़ के कह रहा मामा मुझे कोई कौरवन को अवगुण कोई दोष कोई बेक बता दे मामा, जाके दुर्योधन की गरमाए धूमिल कर दूं। सल्ल मामा ने कह दई बेटा भीम चिंता मत करे, ये कई कोड़ वर्ड ऐसा दे रहा हूं ऊपर से नीचे तक आग लग जाएगी। क्या कह रहा है मामा सल्ल सुनिए, अब सुनना अपनी अपनी गायकी का अंदाज क्या है साहब। तेरे ना क्या कह रहा है मामा सल्ले, सल्ले भूपने और कहीं मान ले
भीम खुश है गो, देखो कोई मिलावट नहीं है, कोई फटका नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, बिल्कुल शुद्ध जिकड़ी ना। ऐसी बात ना है, बकवाबू चाहे तो खूब बक सके पर क्यों बके सा मास्टर। भीमसेन पहुंच गया दुर्योधन की सभा में, दुर्योधन बैठे हुए, भीम ने एकदम से अट्टाहास करके कह रही भैया दुर्योधन भो भो को शब्द सुनियो बदन में आग लग गई। अपने भैयन ते कह रही है भीमसेन यहां ते जिंदो नहीं जानो चाहिए। माई सपनी मामा बैठे हुए, बेटा जी तुम्हारे कबाजे में ऐसे नहीं आवेगा, छल करो कपट करो। अब बारह मासी आ रही है, सुनियो गौरते शकुनी मामा ने भीमसेन बातन में ले लो है। और बारह मासी एक झलकी दे रहा हूं, शास्त्रीय संगीत में एक राग होता है राग बागेश्वरी, उसकी छोटी सी झलकी है, फिर बारह मासी सुनियो साहब। जिगड़ी अब खोए गई है, क्योंकि हम जैसे लौंडे लपाटे नई नई धुन लच के कमर रस के कमर फला निकान, जो हमारी पारंपरिक जिगड़ी थी वो हमने ही खो दई अपने आप। क्यों तुम उई में राजी रहे, बर्फी को मांगे पीस है जी। सुनिए बारह मासी कियो कपट को प्यार भीमकू भोजन बनवायो, अरे कियो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवायो, लाखन सिंह जी क्या रुपये भेद उगा दे रहे। अरे प्रेम ते भोजन कर लीजे, अरे जो कछु चाहिए भीम बली तू हम ते ले लीजे। और भीम बा तन में आए गयो रे, भीम बा तन में आए गयो, डूकरा मारे बदन सिंह चाचा जी दे रहे। और ये 101 रुपया सुरेश जी भेद हुआ रे, भीम बात तन में आए गयो, अरे सुनो ना जाने कितने लड़ुआ भीमा खाए गयो। अंतिम बात बारह मासी की, काम या को सब है गयो पूरो रे।
पांच मिनट को है सारो है गीत पीछे गांगो सा पहले गांगो उड़ान और देखो सुबह 20 मिनट ना गायो फिक्स टाइम एक उन्हें ना गायो सब ज्यादा ज्यादा गाय के गए हैं जी। निवेदन है मेरा कल तेज कड़ी है रही है पर अभी तक उड़ान मंच पे भई ना आए जोरी फैला के भीख मांग रहा हूं इत को ध्यान मत करियो जिकड़ी की मेन चीज है जी। भीमसेन को जहर मिला दियो भीमा उठाए के सरयू नदी में फेंक दियो भोले बाबा प्रकट भे एलम देते कह रहे उड़ान में देखो सुनियो गौर ते सा मेरे पंचो शंकर ऐसे कहे क्या कहे और कंग के एलम दे समझा रहे भोले बाबा पर ये कुलास फेंक दई है गंग के तीर चली जाना और गंग के गंग के तीर चली जाना बेहतरी
आवे लास, अरे बहती आवे लास भीम की उसको ले। टाइम है गो तो हो कोई टाइम का मुंह पर रुक रो भैया। भगवान श्री राम लंका के समीप पुल बनाकर पहुंच गए। रात में लक्ष्मण जी बुलाए और लक्ष्मण जी ते कह रहे हैं भगवान श्री राम, ओ भैया लक्ष्मण सुने, अरे तू चाय के देखिस लखन ओ तारी, ओ लक्ष्मण, अरे चाय के देख लखन ओ तारी और मेरी कैसी है प्राण लपारी। Oh,
भाभी ने साप लगाया है, बात कहने को लक्ष्मण ने मोह खोल के जोर लगाया है। बोल तक खेम मरो लक्ष्मण श्री राम ने रुदन देखा। राम जी ने मामला क्या है, अंगद जी को पास में बुलाया। अंगद भैया पीर मेरे, तू लंकापुरी को चाहियो रे, लक्ष्मण के संग कहा बीती कछु पतो लगाए के, हाल चाल को देखे भ्रात तू मोकू आए बतइयो रे, तो मिल जाए तो राजी खुशी कछु सीता क्यों ले। अंगद जी पहुंच गए रावण जो कह रहा, मैया जो आपने मुझे वरदान रूपी श्राप दिया था, या अशोक बगिया में ना जाने कितने जीव जंतु ने पक्षी ने जो बात सुनिए अपनी भाषा में बात करी होंगी, न जाने कितने जीव मर गए होंगे। मेरा निवेदन है, निवेदन कहा है, सब कुछ चिंता कर दियो, जो मात श्राप दे मारे है रूप देख के रावण को, अंगद के भयो से रूप देख के रावण को, अंगद के भयो से कारो है, अंगद लौट के चल दियो, तुम सुनो सब सरदारो है, इतना अंगद लौट के चल दियो, तुम सुनो सब सरदारो है। दुनिया से विदा हो गए, अपनी कलम से लिख के माननीय स्वर्गीय लखना भालदार जी बरका कठू मरवारी, अंगद लौट के चल दियो, तुम सुनो सब सरदारो है, उत्तर लक्ष्मण उत्तर लक्ष्मण चिंदा भयो लखनयो कह रहे हो।